नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज, बस्ती जिला में सरफिरा युवक ने लगाया पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा और गिरफ्तार। रिपोर्टर बानु मिश्रा टेट के साथ लाल मोहम्मद कुमार की बस्ती रिपोर्ट। धरना देने पर दर्ज हुआ मुकदमा, जहाँ पूरे देश पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले के गम में डूबा हुआ और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी सिरफिरे भी हैं जो भारत की सरजमी पर रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपनी गद्दारी का सबूत दे रहे। इसका आज जीता जागता सबूत उस समय मिला जब मंडला मुक्त मुख्यालय विभिन्न संगठनों द्वारा शहीद जवानों को प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ आए थे और देश के नुमाइंदों ने इस आतंकी हमले के बदले में आतंकियों को सफाया करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच जिले के वल्टरगंज थाना क्षेत्र के निवासी अब्दुल खालिद 28 अख्तर नामक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर जिले का माहौल खराब करने का पूरी कोशिश की। गरिमत यही रही कि तत्काल उसे पुलिस ने धर दबोचा, कोतवाली लाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। युवक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम संगठनों धरने पर बैठ गए। मनबल युवक ने इतना ही नहीं किया बल्कि आतंकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरी विभिन्न विद्यालयों के छात्रों पर अभद्र टिप्पणी की और जिससे माहौल बिगड़ गया। किंतु मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने कोई अप्रिय घटना होने से बचा लिया। मामला ये था जहाँ पूरा देश गम में डूबा हुआ है आतंकवादियों के कायराना हमले से, जहाँ हमारे 42 जवान शहीद हो गए हैं। आज उसी समय जब बस्ती जनपद के नौजवान बच्चे बच्चियाँ जुलूस की शक्ल में जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उस समय एक मुस्लिम युवक कंपनीबाग चौराहे पर आता है और भारत माता की मुर्दाबाद के नारे, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाता है। उसके बाद बच्चियों पर अभद्र टिप्पणी करता है। उस समय मौजूद हमारे कुछ नौजवान वहां मौजूद थे, उन्होंने पकड़ करके उसको पुलिस के हवाले किया। मेरी मांग है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, एनआईए से उसकी जांच कराई जाए और इसके बस्ती में किसके रिश्ते और कहां रहता है इसकी जांच करा करके इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बस्ती के लिए, लोगों के लिए नहीं, ये पूरे देश की मांग है। आज के दिन अगर वो भारत माता मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बच्चियों के बारे में अनाप शनाप बोलता है तो निश्चित तौर पर वो आतंकवादी। देखिए, हम लोग जहाँ पूरा देश अपने जवानों की शहादत पर गम मना रहा है, वहीं पर अपने बेगम खैर की कुछ बहनें जो है, बच्चियाँ जो हैं, एक जुलूस के तौर पर उस गम में शामिल हो रही थी। और यह युवक जो देखने में आतंकवादी टाइप का है, यह वहाँ बच्चियाँ भारत जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और यहाँ वहाँ पर वह खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। यह कृत्य किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। वह अभी उस समय जब पूरा देश गम में गमगीन है, पूरा देश एकजुट है, उस समय इस प्रकार की घटना करना एक देशद्रोह का कृत्य है। हम लोगों की मांग है कि इसके परिवार की जाँच कराई जाए और किसी सक्षम एजेंसी से एनआईए से जाँच कराकर इसके परिवार में और इसके लिंक कहाँ कहाँ तक है इसकी जाँच कराई जाए। हम